नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू लाइफ क्लासेस में। मेरा नाम अमित कुमार पांडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी प्री की तैयारी में करा रहा हूँ, साथ ही साथ एसएससी और साथ ही साथ जो भी रेलवे का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसकी भी तैयारी साथ ही साथ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, घर बैठे आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इस वीडियो को देख करके। हिस्ट्री आपका पूरा कवर हो जाएगा, एंशेंट हिस्ट्री भी मैं डाल रहा हूँ वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री भी, ठीक है। और मेडिवल का ये आपका सेकेंड पार्ट है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि भारत में कैसे अरब का जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने आक्रमण किया। उसके बाद हमने देखा तुर्क आक्रमणकारी, ठीक है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का, जो हमने देखा था कि जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि बंगाल धर्मपाल ने बनवाया था, ठीक है, बंगाल में था, उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राजपाट सौंप करके मोहम्मद गौरी जब लौट रहा था भारत से, तो उसकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गौरी की। उसके बाद भारत में राज्य जो है स्थापित करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और अपनी राजधानी शुरू में बनाता है लाहौर को। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और दिल्ली सल्तनत वहाँ से शुरू होती है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते एग्जाम में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कहना ना पड़े, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा। ठीक है, इतना कीमती समय निकाल करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, और मेरा भी कुछ सपोर्ट कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए कैसा वीडियो लगा आपको, और सब्सक्राइब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर करते रहिए कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि उसका गुलाम था, अपना भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक का पद प्रदान किया। ठीक है, जो भारतीय ठिकाने हैं, जितने भी क्षेत्रों को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था, ठीक है, उस सभी क्षेत्रों का इसको प्रतिनिधि नियुक्त किया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इसको मलिक का पद प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के वंश के बारे में, इधर देखिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है समझने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक बार यूपीएससी प्री के एग्ज़ाम में। ठीक है, सभी वंशों के बारे में काल निर्धारण करने के बारे में आया था। ठीक है, कि सबसे पहले किस वंश का काल रहा। ठीक है, तो काल मिलाने को आता है कालक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले गुलाम वंश या ममलूक वंश के शासन काल रहा, 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, 1290 ईस्वी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक, उसके बाद तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर के 1398 तक। ठीक है, उसके बाद इसका विघटन प्रारंभ हो गया। ठीक है, 1398 से 1526 तक बस चला। ठीक है, 1526 में आप लोग जानते हैं इब्राहिम लोदी रहता है, और 1526 में ही बाबर आक्रमण करता है और वहाँ से मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। लेकिन खैर, 1398 तक जब तुगलक वंश चला, उसके बाद सैयद वंश भी आया, तो 1414 से 1451 तक चला। ठीक है, उसके बाद लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक, और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, यह क्वेश्चन आता है फ्रेंड। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा कर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, उसके बाद बाबर के बारे में भी हम बोलेंगे, मुगल वंश बाद में आएगा, ठीक है, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। खैर, हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश या ममलूक वंश, जो कि 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, इस वंश का नाम ममलूक वंश सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में से केवल 3 शासक दास थे। ठीक है, उन्हें भी पद ग्रहण से पूर्व दासता से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, 3 लोग ही सिर्फ दास थे, कौन कौन, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, एक उसका पुत्र आराम शाह,
और एक इल्तुतमिश, यही तीन लोग दास थे। और यह भी जब अपना पद ग्रहण कर रहे थे, राजा का पद, सुल्तान का पद जब ग्रहण कर रहे थे तो दासता से मुक्त थे, इसलिए कुछ लोग इसे गुलाम वंश, मतलब गुलाम कहने में अजीब लगता है इसलिए गुलाम वंश कहना पसंद नहीं करते इतिहासकार, इसलिए इसको ममलूक वंश कहना पसंद करते हैं। यह 1206 से 1290 ईस्वी तक यह वंश चला, इसमें अनेक राजाओं ने शासन किया। ममलूक वंश के शासकों ने तीन राजवंशों की स्थापना की। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की, तो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था, ठीक है। वैसे तो संस्थापना जो की थी स्थापना वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पहला जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, जिसने राजधानी अपना बनाया था किसको, लाहौर को, ठीक है। और ममलूक वंश या गुलाम वंश की स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, जिसकी 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए, या चौगान एक खेल होता है उसको खेलते हुए घोड़े से गिर करके मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। उसके बाद आराम शाह वेस्टा है उसका पुत्र, उसके बाद इल्तुतमिश, लेकिन इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। चलिए खैर आगे आएगा, अभी इल्तुतमिश के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ममलूक वंश के राजवंश देख लेते हैं, तो ममलूक वंश जो है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक तीन राजवंश बांट करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए हम लोग तीन राजवंशों में बांट करके पढ़ते हैं, इतिहासकारों ने इसको तीन राजवंश में बांटा हुआ है। जैसे कुतुबी जो राजवंश है उसमें सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका पुत्र आराम शाह है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने ममलूक वंश की स्थापना की 1206 में, और उसका पुत्र आराम शाह, ठीक है। उसके बाद आता है शमसी राजवंश। शमसी वंश जो है वो इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश जो कि ममलूक वंश या गुलाम वंश, ठीक है, दोनों, उसका वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है वह। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, और दिल्ली सल्तनत की या मध्यकालीन इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि सभी एग्जाम में लगभग, ठीक है, सीजीएल में भी एक बार पूछा था। यह प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, ठीक है, और बहराम शाह, ठीक है, और इल्तुतमिश की ये पुत्री भी थी रजिया सुल्तान, यह भी आप लोगों को ध्यान देना है। बहराम शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, यह जो पांचों है यह हम लोग शमसी राजवंश के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद बलवनी राजवंश आता है जो कि ग्यासुद्दीन बलबन और मोइनुद्दीन कैकुबाद और क्यूमर्स, इन तीन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बलबन के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह भी एक गुलाम था और इसने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी, बहुत ही मतलब खतरनाक शासक था, ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुतुबी वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आज हम बस कुतुबी वंश के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश पूरा पढ़ेंगे, जिसमें से कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। बलबनी मतलब क्या कि बलबनी राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुतुबी वंश के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसका प्रारंभिक जीवन देखते हैं कैसा था, ठीक है, कौन था यह। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तुर्क जनजाति का था, ठीक है, तुर्की था यह भी, तुर्क जनजाति का। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने सर्वप्रथम ऐबक को खरीदा एवं धनुर्विद्या तथा घुड़सवारी की शिक्षा दी थी। सर्वप्रथम, यह तो आप लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, लेकिन सबसे पहले इसको किसने खरीदा था, तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने खरीदा था, ठीक है, और इसको धनुर्विद्या सिखाया, ठीक है, धनुर्विद्या दी और घुड़सवारी की शिक्षा दी थी। ऐबक जो था कुरान पढ़ता था और कुरान याद था पूरी तरह से इसको, इस कारण वह कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, इसको पूरी तरह से कुरान पढ़ता भी था और कुरान इसको याद था पूरी तरह से, इसीलिए इसको कुरान ख्वां कहते थे। बाद में मुहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया, ठीक है, सबसे पहले इसको काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने खरीदा, बाद में इसको मुहम्मद गौरी ने खरीद लिया, ठीक है,
इसीलिए इसको मोहम्मद गौरी का गुलाम कहते थे, ठीक है। तो बाद में इसको मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। अब मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर ए आखुर का पद दिया, ठीक है। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर ए आखुर का पद दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद हो गया, ठीक है। इसी कारण गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय विजित प्रदेशों का कमान सौंप दिया, ठीक है। ऐबक जो था उसको जब मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया तो उसको अमीर ए आखुर का पद दिया। और क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का सबसे खास था, ठीक है, बहुत भरोसेमंद भी था, इसीलिए गौरी ने जो भारत में क्षेत्र जीते हुए थे उसका प्रमुख बना दिया, ठीक है, कमान सौंप दी, ठीक है। अब भारत में ऐबक का शासन काल देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत में ऐबक का जो जीवन है वो तीन चरणों में विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं, सुविधा के दृष्टि से, ठीक है, कि अच्छे से पढ़ लिया जाए, हम लोग याद हो सके। तो 1192 से लेकर के जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है, तब 1192 से लेकर के 1206 ईस्वी तक एक चरण यह हुआ। और एक चरण मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में एवं कार्य सैनिक गतिविधियों से पूर्ण था यह वाला चरण। उसके बाद 1206 से 1208 ईस्वी तक हम देखेंगे तो भारतीय सल्तनत में मलिक या सिपह सलार के पद पर एवं कार्य राजनयिक के रूप में 1206 से 1208 ईस्वी तक। तीसरा चरण जो है 1208 से लेकर के 1210 ईस्वी तक स्वतंत्र भारतीय राज्य का औपचारिक शासक के रूप में। 1206 में ही इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी, लेकिन असली स्वतंत्र रूप से शासक के रूप में इसने कार्य करना प्रारंभ किया 1208 ईस्वी से, और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, नोट में हम लोग देख लेंगे, देखिए कि ऐबक का अनौपचारिक राज्याभिषेक जो हुआ था 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ, ठीक है, लेकिन औपचारिक रूप से मान्यता जो है गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद द्वारा 1208 में प्राप्ति हुई थी, ठीक है। गौरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसने 1208 ईस्वी में इसे प्राप्त हुई। अब ऐबक भारतीय सल्तनत का औपचारिक शासक बन गया था, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था असली एक तरह से शासक था, ठीक है, और यह तो एक तरह से गुलाम था, इसीलिए अनौपचारिक रूप से तो इसका राज्याभिषेक हो चुका था 1206 में, 25 जून 1206 में लाहौर में, लेकिन औपचारिक रूप से जब गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने इसे मान्यता प्राप्त हो गई इसे, तब यह भारतीय सल्तनत का शासक बना 1208 में, ठीक है। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि तुर्की राज्य का संस्थापक कौन है, तो ऐबक को, ठीक है। एक तरह से मोहम्मद गौरी को भी माना जाता है, ठीक है। ऐबक को दानशीलता के कारण लाख बक्स एवं पील बक्स हाथियों का दान देने वाला कहा जाता है, ठीक है। दानशीलता के कारण इसे लाख बक्स एवं पील बक्स हाथियों का दान करता था, इसीलिए इसे पील बक्स कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हसन निजामी एवं फर्रुख मुद्दीर ऐबक के दरबार में विद्वान थे। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ करवाया था, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है, और उसको ख़त्म किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण है इसने प्रारंभ किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था, ख़त्म किया था, ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में, अभी आगे आएगा, हम लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे। चलिए, ऐबक ने दिल्ली में ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया। अब 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनवाया था। अजमेर में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यह बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ऐबक के सेना नायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। ऐबक ने केवल एक मंजिल का निर्माण करवाया था, मतलब पहली मंजिल को ऐबक ने पूरा करवा दिया था,
ठीक है, इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। अब तक कुल 4 मंजिलें बन चुकी हैं, ठीक है। कितनी मंजिलें हैं? 4 मंजिलें, ठीक है। और 3 मंजिलें जो हैं इसने पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और पहली मंजिल जो है ऐबक ने बनवाया था। 1369 ईस्वी में बिजली गिरने से मीनार की ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल की मरम्मत करवाई एवं एक नई मंजिल का निर्माण करवाया। अब कुल मंजिलें कितनी हो गई? 5 मंजिलें, ठीक है। तो और किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक वंश का शासक था, ठीक है। 1505 ईस्वी में भूकंप की वजह से मीनार को क्षति पहुंची। बाद में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई, जो कि लोदी वंश का था, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई थी, उसके बाद इल्तुतमिश ने पूरा 3 मंजिल बनवाया तो 4 मंजिलें हो गई, ठीक है। उसके बाद 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई बिजली गिरने से, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको मरम्मत करवा के एक मंजिल और बनवाया तो 5 मंजिलें हो गई। फिर 1505 ईस्वी में भूकंप आ गया तो सिकंदर लोदी ने उसको मरम्मत करवाया, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया, ठीक है। कुतुब मीनार जो है उसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐबक की मृत्यु जो हुई थी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी, ठीक है। यह बार बार पूछता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते हुए थी, एक तरह का पोलो जैसा खेल है, ठीक है। तो घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में ही है, ठीक है। लाहौर में ही इसकी राजधानी थी, लाहौर में ही इसका मकबरा है। ऐबक की राजधानी लाहौर में थी, परंतु मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में था, ठीक है। और ऐबक का संभवतः कोई बेटा नहीं था। ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद कुछ तुर्क अमीर एवं मालिकों ने आराम शाह को शासक नियुक्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि कोई बेटा नहीं था, लेकिन कुछ अमीर लोग थे मालिकों ने, ठीक है, और इसको आराम शाह को शासक नियुक्त कर दिया। बाद में जो है बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। कुछ लोग कहते हैं कि जो जनता थी, मतलब लोग जो थे प्रजा, वह आराम शाह को पसंद नहीं करती थी, इसलिए इल्तुतमिश को क्या किया, उन लोगों ने कहा कि आप बन जाए ये राजा। तो बदायूं का एक गवर्नर था, तो आया इसने आराम शाह को हराया और यह शासन हथियार लिया, ठीक है। चलिए कुछ भी रहो, अब सबसे राजवंश के बारे में जानते हैं, जिसमें 3 लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, 5 लोगों के बारे में पढ़ना है, खैर ठीक है, 5 लोगों के बारे में। चलिए इल्तुतमिश, अब इल्तुतमिश जो है वो इलवारी जनजात एवं शमसी वंश से संबंधित था। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की, ठीक है। वह तो गुलाम वंश था या ममलूक वंश, यह इसने शमसी राजवंश की स्थापना की। इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं कौन था। ऐबक का दामाद था और बदायूं का गवर्नर भी था, ठीक है। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को अमीर ए शिकार का पद दिया गया, ठीक है। और इल्तुतमिश भारत में तुर्क शासक का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इतना ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो है संस्थापक संस्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसीलिए उसको संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश ने किया था, इसीलिए इसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा करवाया था, ठीक है। और इल्तुतमिश ने ही एकता व्यवस्था की शुरुआत की। एकता व्यवस्था क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। एकता सल्तनत काल में एक प्रकार की भूमि थी जो सैनिकों एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए वेतन के रूप में प्रदान की जाती थी। इस भूमि से प्राप्त राजस्व भूमि प्राप्तकर्ता व्यक्ति को प्रदान होता था। पद समाप्ति या सेवा समाप्ति के बाद यह भूमि सरकार द्वारा वापस ले ली जाती थी। एकता व्यवस्था मतलब आप लोग समझ सकते हैं ऐसे कि जब तक कोई व्यक्ति सैनिक रूप से सर राजा के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तब तक उसको एक भूमि दे दी जाएगी, वहाँ वह रह सकता है, ठीक है, और उसका राजस्व उसको प्राप्त होता रहेगा। कर जो भी मिलेगा वहाँ से, कोई भी टैक्स मिलेगा, तो जिसको वह भूमि दे दी गई है सैनिक को, जिस भी सैनिक को, वही वह टैक्स वसूलता रहेगा, अपना लेता रहेगा। लेकिन जब वह सैनिक से पदमुक्त हो जाएगा तो फिर से वह जमीन जो है
वापस ले ली जाएगी। आया बस समझ में। इल्तुतमिश जो था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला शासक था। दिल्ली का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वह कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने यह उपाधि औपचारिक रूप से खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। ठीक है, खलीफा से इसने यह प्राप्त की थी औपचारिक रूप से। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने युद्ध शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए वह कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टका, तांबे का जीतल प्रचलित किए। चांदी का सिक्का 175 ग्रेन का था। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि इसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। दिल्ली का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश, जिसने सुल्तान का पद धारण किया और खलीफा से इसने यह पद धारण किया था, उपाधि ली थी। और यह पहला ऐसा तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। बस ठीक है, विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, आप लोगों को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक जब था तो उसकी राजधानी लाहौर थी और उसका मुख्यालय दिल्ली में इंद्रप्रस्थ था, लेकिन इसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया। ठीक है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1229 में इल्तुतमिश को खलीफा से खियालत पत्र प्राप्त हुआ जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, 18 फरवरी 1229 को एक खियालत पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, जिससे यह इल्तुतमिश जो है एक वैध सुल्तान घोषित हुआ और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का श्रीगणेश इल्तुतमिश ने ही किया था। ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध देख लेते हैं। तराइन का आप लोगों ने बस दो ही युद्ध पढ़ा होगा कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध देखिए 1215 से लेकर के 1216 ईस्वी के बीच। ठीक है, इल्तुतमिश और यल्दूज या यल्दौज के बीच हुआ जिसमें इल्तुतमिश जो है जीत गया। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का? इस विजय से जो है दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया और गजनी से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद हो गया। ठीक है, गजनी से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद हो गया और दिल्ली जो है एक स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। इससे इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। चहलगानी के बारे में जानते हैं। सल्तनत काल में चहलगानी व्यवस्था थी जिसमें 40 तुर्क सरदारों का या दासों का समूह था। ठीक है, इसको इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे कि बलबन जब आया तो उसने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, चहलगानी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने ही इसको शुरू किया था। चहलगानी जो था उसमें 40 तुर्क सरदारों या दासों का समूह होता था। ये जो थे सरदार तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तान को अपना सहयोग देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चहलगानी का अंत बलबन ने किया। ठीक है, देखिए अभी है भी और बलबन के बारे में भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग जानेंगे। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर को तुड़वाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की दो शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाईं और उनके गले में घंटियां लटकवाई। इन घंटियों को बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता था, जैसा कि जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, कि घंटी बजा के कोई भी आ सके, कोई भी जनता, ठीक है, राजा से सीधे न्याय की मांग कर सके, वैसा ही इल्तुतमिश ने भी करवाया था। ठीक है, मंगोल नेता चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो मंगोल नेता जो चंगेज खां है वह इल्तुतमिश के शासनकाल में ही उत्तर पश्चिम सीमा तक आया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, 1226 ईस्वी में रणथंबोर पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय मांगने वाला व्यक्ति लाल रंग के वस्त्र पहनता था। इल्तुतमिश का सांस्कृतिक योगदान देख लेते हैं। अपने पुत्र
नासिरुद्दीन की कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, जोधपुर में अतारकनी दरवाज़ा बनवाया, बदायूं में हौज शमसी और शमसीदगाह का निर्माण करवाया, इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुरुद्दीन विद्वान थे। ठीक है, अब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है, अभी मैंने पढ़ाया कि इल्तुतमिश ने ही क्या किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया। ठीक है, तो अब इसके उत्तराधिकारी इसके वंश के ही होंगे। ठीक है, तो इल्तुतमिश की मृत्यु जब हो गई 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में दिल्ली में, तो दिल्ली में ही इल्तुतमिश को दफना दिया गया। ठीक है, उसकी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, तो उसको लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली में बनाया था, इसीलिए इसको दिल्ली में दफना दिया गया। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाने की इच्छा व्यक्त की थी, परंतु तुर्क एक स्त्री को अपना शासक नहीं बनाना चाहते थे। इसी कारण इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, अब रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था। इसके शासन में जगह जगह विद्रोह होने लगे। इसका लाभ उठाकर रजिया सुल्तान ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। अधिकार क्या कर लिया, मतलब इसका ही अधिकार था, क्योंकि यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रजिया ने लाल कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। जनता ने रजिया का समर्थन किया। इस प्रकार उत्तराधिकारी के प्रश्न पर पहली बार स्वयं जनता ने निर्णय लिया था। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तरह से यह लोकतंत्र हो गया। ठीक है, कि पहली बार जनता ने किसी को राजा बनाया था। ठीक है, तो रजिया जब सुल्तान बनी थी तो जनता ने उनको खुद बनाया था। ठीक है, तो रजिया के विरोधी जो थे तुर्क अमीर, वो कौन कौन थे, तो निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कुची, मलिक इनुद्दीन कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुख थे। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुआ कोट और कुलाह पहनकर जनता के सामने आने लगी। इसको जनता बहुत पसंद करती थी। ठीक है, इसीलिए इसको बनाया और इसने पर्दा प्रथा त्याग दिया। रजिया के शासनकाल में अख्तादारों चहलगानी अमीर तुर्कों ने विद्रोह किया, जिससे शासन करने में अनेक कठिनाइयां आई। रजिया के क्या कारण थे कि उसका पतन हो गया? तुर्की अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति, रजिया का स्त्री होना। मिनहाज के अनुसार यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रजिया के पतन के क्या कारण थे, तो रजिया का स्त्री होना मिनहाज के अनुसार यह सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, तो मिनहाज के अनुसार आप लोग याद कीजिए। ठीक है, यह प्री में पूछा गया था एक बार, और यूपी पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो रजिया के पतन का जो सबसे बड़ा कारण था रजिया का स्त्री होना, वह किसने कहा है? मिनहाज के अनुसार। ठीक है, रजिया का याकूत, ठीक है, अबिसिनियाई हफ्सी, इसे रजिया ने अमीरे आखूर या अस्तबल का प्रधान बनाया था। इस कारण चहलगानी या चालीसा नाखुश थे। चहलगानी व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जिसमें कि दासों का एक 40 लोगों का अमीर या दासों का एक संगठन होता था, 40 लोगों का प्रेम संबंध था इसके साथ। ठीक है, और गैर तुर्कों का प्रतिस्पर्धी दल बन गया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बना। इसके शासनकाल में सुल्तान के शक्ति एवं अधिकारों को कम करने के लिए तुर्की अमीरों ने नायब ए मुमलकत के पद की रचना की। नायब ए मुमलकत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह एक पद जो है वह संरक्षक के समान था। इसके पास सुल्तान के समान शक्ति एवं पूर्ण अधिकार थे। ठीक है, यह किसने शुरू किया था, तो तुर्की अमीरों ने शुरू किया था। अब वास्तविक शक्ति एवं सत्ता के अब तीन दावेदार थे, सुल्तान, वजीर और नायब। प्रथम नायब ए मुमलकत के कौन थे, तो मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन।
यह प्रथम नायब ए मुमक मुमल का जो नियुक्त किया गया था वह मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगिन उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनके शासनकाल में 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ। वजीर मुहज्जुद्दीन ने अमीर तुर्कों को सुल्तान के खिलाफ भड़का दिया। 1242 में सुल्तान की हत्या कर दी गई। ठीक है, अब अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वह शासन करेगा। तो बहराम शाह की जो हत्या कर दी गई, तो मलिक इजुद्दीन किसलू खां ने इल्तुतमिश के महलों पर कब्जा कर लिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। परंतु तुर्क अमीर राजवंश में परिवर्तन नहीं चाहते थे। किसलू खां ने नागौर का इकता एवं एक हाथी लेकर अपना पद एवं सिंहासन का दावा वापस ले लिया। अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान चुना। मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब बना दिया गया। ठीक है, और नजमुद्दीन अबू बकर वजीर बनाया गया और गयासुद्दीन बलबन उसके बाद शासन करेगा। तो यह चहलगानी का सदस्य था। इसने बहराम शाह के विरुद्ध विद्रोह में सबसे अधिक साहस दिखाया था। 1249 ईस्वी में इसे उलुग खां की उपाधि दी गई। बलबन ने ही नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान के पद पर बैठाने के लिए षड्यंत्र रचा और चालीसा के महत्वपूर्ण अधिकारों तुर्कों को पक्ष में ले लिया। 4 वर्ष 1 माह के शासन के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर कारागार में डाल दिया गया और कारागार में ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद जो था यह एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसकी सारी शक्ति एवं अधिकार चालीसा तथा बलबन के हाथ में थे। ठीक है, 1266 में अचानक मृत्यु हो गई और इसका कोई पुत्र भी नहीं था। शमसी राजवंश का अंतिम शासक यही था नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन शासक बना और इसके बाद बलबनी वंश की स्थापना की गई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बलबनी राजवंश के बारे में। उसके बाद बलबनी राजवंश की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की। ठीक है, बलबन जो था बहुत ही क्रूर था। ठीक है, अगर हम इतिहास में नज़र डालें तो इसने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने जो शुरू की थी 40 लोगों का जो 40 अमीर और दासों का जो संगठन था उसको इसने ख़त्म किया। ठीक है, जो चहलगानी व्यवस्था थी। ठीक है, इसका यह खुद सदस्य था लेकिन जब शासक बन गया तो सबसे पहले उसी को इसने ख़त्म किया, क्योंकि यह जानता था कि ये जो अमीर लोग हैं वो षड्यंत्र रचते हैं। तो जो जो इसके विरोध में होता था, जो शासन के विरोध में होता था, सबसे पहले इसने सबको ख़त्म किया। ठीक है, तो चलिए विस्तार से इसको देखते हैं। तो बलबनी राजवंश की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की। बलबन गुलाम वंश तथा बलबनी राजवंश का महान शासक था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जो है, बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। यह इलबरी तुर्क था, इलबरी तुर्क। ठीक है, और बलबर जो है वो चहलगानी या चालीसा का सदस्य था। बलबन जो है रजिया के विरुद्ध विद्रोह में शामिल रहा था। बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और नसीरुद्दीन को सुल्तान बनाया। ठीक है, और नसीरुद्दीन महमूद के समय बलबन नायाब था और वास्तविक सत्ता का उपयोग बलबन ने ही किया था। ठीक है, सुल्तान तो नसीरुद्दीन महमूद था लेकिन क्योंकि यह नायाब था और चहलगानी में यह शामिल रहा था, 40 लोगों का जो सदस्य था उसमें यह भी एक था। ठीक है, तो वास्तविक सत्ता का उपयोग बलबन ने ही किया था। ठीक है, बलबन ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले चहलगानी या चालीसा जो थी उसको समाप्त कर दिया। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति के द्वारा अपने विरोधियों को रोका। अपनाने के क्या कारण रहे होंगे, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने के क्या कारण थे, तो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना सबसे पहली बात। यह जानता था कि इस जो चहलगानी जो व्यवस्था है या अमीर लोग जो हैं, अमीर तुर्क जो हैं, ठीक है, ये लोग सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि यह भी एक समय यही करता था। ठीक है, और गुटबाजी लोग करते हैं। ठीक है, तो क्या किया इसने, सबसे पहले
जितने भी विरोधी लोग होते थे उनको एक किनारे करता गया, ठीक है, मतलब उनकी मृत्यु, उनको मारता गया, ठीक है, और अपने रास्ते से हटाता गया। दूसरी बात, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को इसने स्थापित किया, इसने यह नियम निकाल दिया कि मतलब सुल्तान के सामने आओ तो सर झुका के आओ, सजदा व्यवस्था इसने शुरू किया। सबसे पहले सजदा नाम आपने सुना होगा, सजदा व्यवस्था यह होता है कि सुल्तान के सामने आओ तो सर झुका हुआ होना चाहिए, सुल्तान का पद मतलब सबसे ऊंचा है, ऐसा इसने कहा, ठीक है, सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित हो, ठीक है, क्योंकि सुल्तान का पद उस समय बहुत नीचे हो गया था, ठीक है, और इसीलिए सुल्तान के पद को ऊंचा उठाने के लिए इसने यह सब नियम निकाला। अमीरों की बढ़ती शक्ति को इसने समाप्त किया, ठीक है, जब यह शासन गद्दी पर बैठा उस समय अमीर लोग ही शासन व्यवस्था को संभाल रहे थे, सुल्तान का पद एक नाम मात्र का रह गया था, लेकिन जब यह गद्दी पर बैठा तो इसने अमीरों की शक्ति को बहुत कम कर दिया, शक्ति रह ही नहीं गई, ऐसा इसने कर दिया, और सुल्तान के पद को फिर से प्रतिष्ठा वाला पद बनाया, ठीक है। मंगोल और राजपूतों के खतरों के विरुद्ध शक्तिशाली सुल्तान पद एवं राज्य की स्थापना की और सत्ता का शक्ति केंद्र सुल्तान को बनाया, ठीक है। बलबन का राजस्व सिद्धांत क्या था? तो बलबन का राजस्व सिद्धांत शक्ति प्रतिष्ठा एवं न्याय पर आधारित था। बलबन ने ईश्वर, शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया, जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श बताया। बलबन ने फारस के इस्लामी राजत्व के राजनीतिक सिद्धांतों एवं परंपराओं के आधार पर अपने शासन को संगठित किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियाबते खुदाई माना गया। इसने राजा को धरती पर जो है ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, नियाबते खुदाई, ठीक है, और राजा जिल्ले अल्लाह या ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका हृदय दैवी प्रेरणा व क्रांति का भंडार है, ऐसा कहा गया, ठीक है। बलबन ने फारसी परंपरा सिजदा अर्थात घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना शुरू किया, ठीक है, इसने ही सिजदा शुरू किया, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, एवं पाबोस अर्थात पेट के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना की प्रथा प्रारंभ की, शुरू की। पाबोस मतलब पेट के बल एकदम लेट करके, हाथ जोड़ करके, ठीक है, सुल्तान के सामने लेट जाओ, ऐसी व्यवस्था इसने शुरू की, ठीक है, और यह ईश्वर को, ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था खुद को, ठीक है, राजा को नियाबते खुदाई बताता था, ईश्वर का प्रतिनिधि। इल्तुतमिश और बलबन का तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें तो जो जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था बलबन ने उसको पूरी तरह से ख़त्म किया, अगर हम देखें तो, ठीक है। तो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश ने चहलगानी का गठन किया तो बलबन ने चहलगानी को समाप्त किया। इल्तुतमिश ने बाहरी व आंतरिक समस्याओं पर नियंत्रण व राज्य विस्तार किया, बलबन ने आंतरिक प्रशासन व विशेष बल दिया एवं राजस्व का सिद्धांत दिया। बलबन ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया, इसने साम्राज्य विस्तार नहीं किया, जितना साम्राज्य था उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। अस्थापित व्यवस्था अस्थाई थी, इल्तुतमिश के टाइम में स्थापित व्यवस्था अस्थाई थी एवं प्रभाव अल्पकालीन था, लेकिन बलबन के टाइम में अस्थाई व्यवस्था थी, सभी चीज़ें व्यवस्था अस्थाई थी। अन्य तथ्य अगर देखें तो बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत में मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज की भारत में शुरुआत की। बलबन ने दीवान ए विराजत वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दीवान ए आरिज की स्थापना की, सैन्य विभाग अलग से इसने बनाया। बलबन ने वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दिया और सैन्य विभाग अलग से बनाया, दीवान ए आरिज, यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बलबन के पद देख लीजिए, अमीर ए शिकार रजिया सुल्तान के समय में यह कौन था? बलबन जो था रजिया सुल्तान के टाइम में अमीर ए शिकार था। उसके बाद बहराम शाह के टाइम में यह अमीर ए आखूर का पद इसको मिला था। अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम में इसे
अमीर ए हाजिब का पद मिला था और नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में इसे नायाब ए मुमलकत का पद मिला था। दरबार के विद्वान इसके टाइम में अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। ठीक है, कैकुआद, कैकुआद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बलबन ने अपने पौत्र कैसुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु बलबन की मृत्यु के बाद तुर्क अमीर फिर सक्रिय हो गए और कैसुसरो को स्थान पर कैकुआद को सुल्तान बना दिया। ठीक है, क्यूमर्स के बारे में जान लेते हैं। कैकुआद की हत्या के बाद उसके नाबालिग पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया एवं जलालुद्दीन खिलजी उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है, क्यूमर्स जो था नाबालिग था, ठीक है, और कैकुआद की हत्या कर दी गई और क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया गया, जलालुद्दीन खिलजी उसका संरक्षक था। 3 माह पश्चात कैमूर की, मतलब क्यूमर्स की या कैमूर्स की कहिए, तो उसकी हत्या जलालुद्दीन जो कि संरक्षक था उसने इसकी हत्या कर दी और सुल्तान बन गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग गुलाम वंश या ममलूक वंश की हत्या हो जाती, मतलब ख़त्म हो जाता है वहीं से, और जलालुद्दीन खिलजी ने जो कि संरक्षक था कैमूर्स का या क्यूमर्स का, उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, और इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं अगर इतना मैं टाइम निकाल के आपके लिए, ठीक है, मैं भी पढ़ाई करता हूँ अगर टाइम निकाल के, ठीक है, अगर मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे नोट्स से मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं PDF नहीं बना सकता, इतना टाइम नहीं है, तो नोट्स से ही मैं चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे आपको प्रोवाइड करा सकूँ, जितना भी आपको ज्ञान दे सकूँ। ठीक है, UPSC की मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।